सम ऑफ द सिंकिंग फंड, ये सम ऑफ द सिंकिंग फंड होता है, ये जनरली ऊपर पढ़ा हमने 90% ऑफ द टॉप ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ उसके बाद वन प्लस आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन क्या है कितनी उसकी यूटिलिटी पीरियड है बिल्डिंग की, माइनस वन। तो इस फॉर्मूले से जो सा आप उसकी किस्त कैलकुलेट हो सकती है, जस्ट थ्योरी आपने करनी है कि सिंकिंग फंड इस फॉर्मूले से, इंस्टॉलमेंट सिंकिंग फंड की इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन जैसे मैंने आपको बताया कि जो सी बिल्डिंग होती है उसकी लाइफ में उसकी जो वैल्यू होती है वो तो हमेशा तो सेम रहती नहीं है, जैसे जैसे टाइम बीता जाता है तो उसकी जो सी है उसकी डिटेरियोरेट होती जाती है, वो मतलब वो की उसके जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो जितनी वैल्यू उसकी कम होती जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन देखो अब यहाँ क्या लिखा है बुक में, देखो ध्यान से क्या लिखा है, व्हेन द बिल्डिंग इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड, जब कोई बिल्डिंग नई कंस्ट्रक्शन होती है, देन द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग डज नॉट रिमेन द सेम एज द न्यू वन। अब जैसे उसकी जब कंस्ट्रक्शन हुई थी उस समय जो उसकी वैल्यू थी वो हमेशा वो वैल्यू नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, ड्यू टू वेरेंट ईयर ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी की वेरेंट ईयर होती है। फिर उसके बाद दिस ग्रेजुअल डिक्रीज और लॉस इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अब ये जो डिक्रीज या लॉस होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू में ड्यू टू स्ट्रक्चरल डेप्रिसिएशन, कोई स्ट्रक्चर फॉल्ट आ गए, कोई लाइफ वेरेंट ईयर जिसके कारण जो उसकी वैल्यू गिरती है उसको क्या बोलते हैं, ये जो डिक्रीज होता है जो डिक्रीज वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटेज रेट्स ऑफ द टोटल कॉस्ट, वो जितनी टोटल कॉस्ट होती है उसकी परसेंटेज होती है कि इतनी परसेंट जो बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर गई है इतना उसका रेट कम कर दिया जाए, एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन लाइफ किस तरीके का स्ट्रक्चर है उसकी कैसे मेंटेनेंस करी गई है, तो उन चीजों पर भी डेप्रिसिएशन जो है वो डिपेंड करती है। अब द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी डिटरमाइंड आना बाई डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट। वही बात आ गई, आपने आज की डेट में किसी वैल्यू निकालनी है प्रॉपर्टी की तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस ही करोगे। 20 साल पहले अगर उसकी कॉस्ट सपोज कर लो 50 लाख थी तो अब 20 साल के बाद उसकी सपोज कर लो, जस्ट सपोज कर लो कि 15 लाख रुपए उसकी कॉस्ट नीचे गिर गई, तो आज की डेट में 50 माइनस 15 करोगे तो ही जितना रह गया 35 लाख, तभी उतने ही मिलने हैं, कोई 50 लाख तो मिलने नहीं। तो ये क्या होती है, ये प्रेजेंट वैल्यू होती है, ओरिजिनल कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन वैल्यू माइनस कर देते हैं। अब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर, आपने एक ही ये पढ़ना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के। अब देखो द स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट इज डिडक्टेड एवरी ईयर। अब हर साल जो आंसर है, देखो वो उसने एक बांध दिया कि हर साल इसकी इतनी वैल्यू गिर रही है तो उसने हर साल वो वैल्यू माइनस करी जानी है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट इज डिडक्टेड एवरी ईयर फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट एज द यूजफुल सर्विस लाइफ या सालवेज वैल्यू रिमेंस अनचेंज्ड। मतलब कुछ मतलब हर साल उसकी इतनी कीमत गिरती है तो फिक्स्ड अमाउंट हो गया, तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें से वो हर साल उसको माइनस करते जाते हैं, वो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। तो एंड में जो उसकी वैल्यू रह जाती है वो सालवेज वैल्यू के बराबर रह जाती है। देखो क्या मतलब, ओरिजिनल कॉस्ट देखो एनुअल डेप्रिसिएशन, हर साल उसकी कितनी वैल्यू गिर रही है वो कैसे निकलेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी माइनस स्क्रैप वैल्यू, आज की डेट में अगर उसको डिमोलिश कर दें तो उससे हमें जितना पैसा मिल जाएगा उसको माइनस कर दो, वो तो हमें मिला ना, तो कितनी कीमत गिरी हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई कितनी लाइफ थी उसकी। तो डी क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन, माइनस सी ओरिजिनल कॉस्ट थी, एस उसकी स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एन नंबर ऑफ ईयर्स जो उसकी लाइफ थी, जो बुक वैल्यू आफ्टर द एन नंबर ऑफ ईयर्स। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी माइनस एन, एन 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 क्या है हमारा, तो ओरिजिनल एन आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ओरिजिनल कॉस्ट माइनस जितने नंबर ऑफ ईयर्स थे उसको हमने डेप्रिसिएशन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई, ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो वो बुक वैल्यू आई थी आज की डेट में। ठीक है, ये थ्योरी है जस्ट। सर स्क्रैप वैल्यू का टेंडर को फार्मूला हैगा स्क्रैप, नहीं फार्मूला फार्मूला आपने कोई नहीं करना, स्क्रैप वैल्यू वो होती है कि आज की डेट में जो उसकी कीमत अगर हम उसको डिमोलिश कर दें तो जो मटेरियल निकलता है यूजेबल उसकी क्या इनकम। नहीं ओ अपन मतलब मान लो कटनी है तो कितना कट देने हैं, उसको मार्केट में जाके बेच देंगे जो उसकी मटेरियल की वैल्यू होगी वो वहां से। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेथड ऑफ वैल्यूएशन, जस्ट आप ये भी थ्योरी है। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड, दो ही मेथड आपने देखने हैं, एक होता है रेंट रिटर्न मेथड, दूसरा है वैल्यूएशन बेस्ड अपॉन कॉस्ट। जो वैल्यूएशन बेस्ड अपॉन कॉस्ट है वो ये स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं और डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो वैल्यूएशन बेस्ड अपॉन कॉस्ट ही होती है। नेक्स्ट आ गया रेंट रिटर्न मेथड, रेंट रिटर्न मेथड में देखो क्या लिखा है यहाँ पे। अब रेंट रिटर्न मेथड में सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होती है, उसके लिए हम सबसे पहले हम निकालते हैं नेट रेंट, नेट रेंट
वो कैसे निकलेगा, ग्रॉस रेंट माइनस आउटगोइंग। ग्रॉस रेंट जो हमने पढ़ा था कि कितना उससे अमाउंट हमें मिल सकती है अगर हम उसमें से जो खर्चे आ रहे हैं उसको ना माइनस करें तो। अब उसमें से अगर हम सॉरी अपने खर्चे माइनस कर दें आउटगोइंग्स, तो वो नेट रेंट आ जाएगा। नेट रेंट निकाल लेंगे, उसके बाद निकालते हैं ईयर परचेज। ईयर परचेज कैसे निकालनी है, इस फॉर्मूले से निकालनी है, 1/i + yc। तो आई क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग इंस्टॉलमेंट। अब जो सिंकिंग फंड अगर है उसका, तो उस पर कितनी इंटरेस्ट, उसकी उसकी इंस्टॉलमेंट पे वो कितना इंटरेस्ट वहां से मिल रहा है, वो आई की वैल्यू होती है। प्लस वाईसी, वाईसी क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ सिंकिंग फंड, ये कोफिशियंट फिक्स होता है। फिर उसके बाद निकालते हैं, यहाँ से आपके नेट रेंट निकल गया, फिर उसके बाद ईयर्स परचेज निकल गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलती है, नेट रेंट मल्टीप्लाई बाई ईयर्स परचेज। नेट रेंट को ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाती है। फिर नेट वैल्यू निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटलाइज्ड रिपेयर्स। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो ऊपर से आई उस माइनस कैपिटलाइज्ड रिपेयर, वो होते हैं रिपेयर की कॉस्ट, जो उसके रिपेयर वगैरह खर्चे आ गए। तो इससे जो सा आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। थ्योरेटिकल पोर्शन है ये सर जी, दोबारा से सेम आ जाए। ये चार स्टेप करने हैं। पहले नेट रेंट निकालना है। नेट रेंट कैसे निकलेगा, ग्रॉस रेंट माइनस आउटगोइंग। ग्रॉस रेंट क्या होता है, जो कि अगर आप उसको रेंट पे चढ़ा दो तो कितना उससे पैसा मिल सकता है। अगर उस ग्रॉस रेंट में से आउटगोइंग माइनस कर दो, आउटगोइंग क्या होती है, जो उसके रिपेयर पे खर्चे आ रहे हैं, उसके मेंटेनेंस पे खर्चे आ रहे हैं, उसको माइनस कर दो, वो नेट रेंट हो जाता है। फिर उसके बाद निकालते हैं उसका ईयर्स परचेज, वो कैसे निकलता है, 1/i + yc। आई क्या है, उसका अगर सिंकिंग फंड की कोई इंस्टॉलमेंट है उस पर कितना ब्याज दर बन रहा है, उसको अब वो परसेंटेज में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आई। वाईसी क्या है, कोफिशियंट ऑफ सिंकिंग फंड, ये फिक्स होती है वैल्यू। फिर ये आपका नेट रेंट मिल गया, ईयर्स परचेज हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, नेट रेंट को ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर नेट वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे निकलती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो ऊपर से आ गई माइनस कैपिटलाइज्ड रिपेयर्स। ये कैपिटलाइज्ड रिपेयर जो से आपके ऑनगोइंग जो रिपेयर वगैरह वो कॉस्ट इसमें आ जाती है। तो ये चीज जो सी थी, ये रेंट रिटर्न मेथड होता है कि रेंट के बेस के ऊपर हम जो सा कि रेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है इनडायरेक्टली। नेक्स्ट वैल्यूएशन बेस्ड अपॉन कॉस्ट, ये सेम एज इन स्ट्रेट लाइन मेथड, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है, जैसे हमने पहले किया था ये कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाती है ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो उसके आज की डेट में वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेंट, ये अगर सपोज कर लो रेंट आप सबको पता है रेंट होता क्या, किराया होता है सिंपल भाषा में, पर इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। अब स्टैंडर्ड रेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज द ग्रॉस रेंट पर मंथ, मतलब पर महीने अगर आपने निकालना है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी, मतलब कि जो ग्रॉस रिटर्न जो प्रॉपर्टी आपको हर महीने कुछ दे रही है इनकम की फॉर्म में, ग्रॉस रिटर्न दे रही है आपको, रिटर्न कुछ दे रही है इनकम की।